नैतिक विकास। मॉरल डेवलपमेंट। इन पंखों को बंद करिए, ज्यादा आवाज कर रहे हैं ज्यादा। करें शुरू। देखिए, सही और गलत होने के अंतर के निर्णय को कि सही और गलत में क्या अंतर है, इससे संबंधित जो आप निर्णय लेते हो और वो निर्णय किस चीज से आता है, वो आपका नैतिकता है, नैतिक विकास है। सही और गलत, आप सही हो या गलत हो, इस चीज में कितना अंतर है ना? आप क्या वास्तव में सही हो या आप क्या वास्तव में गलत हो? हो सकता है मैं मेरी जगह सही हूं, लेकिन मैं मेरी जगह तो सही हूं लेकिन तुम्हारे लिए गलत हो सकता हूं। हो सकता है तुम्हारी जगह सही हो लेकिन तुम मेरे लिए गलत भी हो सकते हो। इसके बीच का जो अंतर है उससे संबंधित जो हम निर्णय लेते हैं, वो जो हम डेवलपमेंट करते हैं, उस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? नैतिक विकास कहते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा। सही और गलत होने के निर्णय, सही और गलत होने के अंतर से संबंधित निर्णय को जिस विकास में लिया जाता है वो क्या कहलाता है? मॉरल डेवलपमेंट कहलाता है, नैतिक विकास। हम कितने सही हैं उस निर्णय को लेकर वो हमारी मॉरलिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, नैतिक विकास के तीन विमाएं होती हैं। नैतिक विकास की कितनी विमा जो होती हैं वो तीन होती हैं। एक संवेगात्मक विमा होती है, एक व्यवहारात्मक विमा होती है और एक संज्ञानात्मक विमा होती है। ठीक है, संवेगात्मक विमा का मतलब है कि आप किसी दूसरे के दुख को देखकर कितने दुखी होते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे को दुख को देखकर कि वो दुखी है, आप संवेगात्मक रूप से उसकी कितनी सहायता करते हैं कि कोई व्यक्ति कष्ट में है। कोई ऐसे पोजीशन दूसरी थी ना, वो सोचने लग गई कि कोई व्यक्ति कष्ट में है, हम उस व्यक्ति के कष्ट को कितना फील करते हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी किसी को पहले से पैसे दे रखे हैं और वो आपको पैसे वापस नहीं लौटा रहा है। आप घर गए, उससे झगड़ने गए थे,
कि पैसे दे मेरे, ले रखे हैं, ठीक है। वहां पर जाकर वो बीमार मिला और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है, ठीक है, कि वो पैसे लौटा सके। आपने उसका कष्ट देखा और आप गए तो लेने थे, दे के आ गए, क्योंकि उन परिस्थितियों में आपकी नैतिकता क्या कहती है, चलो ठीक है पैसे बाद में आ जाएंगे। लेकिन अब इसकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इसको क्या करूं, परेशान करूं, तो उसके दुख को देखकर आप क्या हुए, दुखी हुए कि नहीं हुए, और फिर आप संवेगात्मक रूप से आपने उसकी हेल्प की कि नहीं की, ये नैतिकता है। हम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर खुद दुखी हों और उसके आधार पर ऐसे निर्णय लें कि हम नैतिकता की श्रेणी में आ जाएं, ठीक है, उसको हम संवेगात्मक पक्ष कहेंगे। क्लियर। दूसरा है हमारे नैतिक निर्णयों की क्रियान्विति, कि क्या केवल हम कहते ही हम नैतिक हैं, है ना, लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या वास्तव में ऐसा करते हैं क्या? उस निर्णय की क्रियान्विति, क्रियान्वयन, पक्षियों को दाना डालना चाहिए, डालना चाहिए, डाला क्या, मीनिंग समझो इस चीज को, पानी पिलाना चाहिए, पिलाया क्या, ओके, है ना, कि भी पक्षियों को दाना डालना चाहिए, ठीक, या गर्मियों में परिंडे लगाने चाहिए, परिंडे समझते हो, ज्ञान सब टिकाते हैं, है ना, मैं यहाँ क्लास में बड़ा ज्ञान दे दूँ, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो आप क्या लगे यार कितना नैतिक रूप से कितना बढ़िया आदमी है ये। तो वास्तव में जो आपने निर्णय लिया है, नैतिक निर्णय लिया है, क्या उसकी क्रियान्विति वातावरण में हुई या नहीं हुई, उस काम को आप करते हो तो वो आपका नैतिक रूप से व्यवहार पक्ष है, ठीक है, क्योंकि व्यवहार के रूप में वो चीज दिखनी चाहिए। सुमन ध्यान दो, क्लास में आओ। आप लोग क्यों कोशिश करते हो ऐसी जिसमें मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूं? मेरा ब्रेन बहुत एक्टिव है, शकल से बेवकूफ दिखता हूं, वास्तव में नहीं हूं, इस चीज को समझा करो आप, है ना, ठीक है ना, तो ये धोखा है ना, कैमाफ्लेज हो जाती है लोगों को, शकल से वास्तव में मुझे कई बार बेवकूफ समझ लेते लोग, वो नहीं, ये गलतफहमी अगले की होती है। आगे ध्यान दो, पानी पिलाया कभी उसको, प्यासे को पिलाया, चुग्गा दाना है, चुग्गा डाला है, ठीक है। आप कितने नैतिक हैं, उस नैतिक निर्णय को क्या आपने वातावरण में लागू किया, ठीक है, वो आपका कौन सा पक्ष है, व्यवहार नैतिक पक्ष है, ठीक है। फिर तीसरा क्या आता है, संज्ञानात्मक पक्ष, आप नैतिकता के संबंध में कितना अच्छा निर्णय लेते हैं और उसके संबंध में कितने अच्छे तर्क देते हैं, ओके, विवेकशील तर्क, वो आपका क्या है, संज्ञान पक्ष है। क्लियर। जीन पियाजे ने सबसे पहले नैतिक विकासवाद के बारे में बताया और उन्होंने 1932 में द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में नैतिकता के दो प्रकार बताए, अवस्थाएं अलग हैं, प्रकार अलग हैं, एक है परायत नैतिकता, क्या है,
परायत और नैतिकता, हिटेरोनॉमी मॉरलिटी, और दूसरा है स्वायत्त नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता। ठीक है, ये है ऑटोनॉमस। मॉरलिटी, परायत नैतिकता, हम कितने नैतिक दिखें, हमें कितना नैतिक होना चाहिए, इसका निर्धारण हम स्वयं नहीं करें। ठीक है, कौन करे? इसका निर्धारण दूसरे लोग करें, ये परायत हो गया। समझ रहे बात कि मुझे कितना नैतिक दिखना चाहिए, इसका निर्धारण मैं नहीं कर सकता। बाहर से आंटी आई है, उनके पांव छूने हैं, बच्चे को पांव छूने हैं या नहीं छूने, इसका निर्धारण बच्चा नहीं करेगा। कौन करेगा? मम्मी या परिवार। इसको हम कहते हैं कि नैतिकता का निर्धारण कौन करें? दूसरे करें। नैतिकता दूसरों के निर्णयों से प्रभावित हो, ठीक है ना? आपका मान लीजिए किसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब इंटरव्यू हुआ, आप सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद में आपको किस लेआउट में रहना है, टाई लगानी है कि नहीं लगानी है, शूज कैसे पहनने हैं, है ना? आप स्पोर्टी लुक में दिखोगे, कैजुअल दिखोगे या प्रोफेशनल लुकआउट होगा आपका ड्रेस का, क्लियर? या आपको कैसे दिखना है ये आप तय नहीं करोगे साहब, ये तय कौन करेगी? कंपनी करेगी। यस और नो? क्लियर है? तो ये सरकारी नौकरी एक ऐसी होती है जिसमें मास्टर वाले, इसमें ये तय नहीं है कि तुम कैसे लुक में दिखोगे। आप धोती पहन के भी जा सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको। ज्यादा और अच्छे बताएं, गुरुजी धोती पहन के आए हो, है ना? वो एक ट्रेंड में और आ जाएंगे, आजकल तो वायरल वीडियो बना देंगे। आजकल के वर्तमान कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो देखो अपने संस्कारों को, परंपराओं को नहीं बोलते हैं। वो तो नॉर्मली सोख के पहन गया था, उसको परंपराओं का क्या कर देंगे, धोतक बता देंगे कि ऐसा ऐसा। आप कितने नैतिक हैं, इसका निर्धारण आप स्वयं नहीं करें, इसका निर्धारण दूसरों के निर्णयों द्वारा हो। इसको हम दूसरी सत्ता भी कह सकते हैं, दूसरी पावर, जैसे कंपनी का बॉस है, वो सत्ता है, वो तय करेगा कि तुम्हें क्या पहनना क्या नहीं पहनना है, या तुम्हारे निर्णय कैसे होंगे, तुम दूसरे व्यक्ति के लिए कितने नैतिक रहोगे, कहां तक तुम्हें सहायता करनी है, कहां तक नहीं सहायता करनी है, इस नैतिकता का निर्धारण तुम खुद नहीं कर सकते। इसका निर्धारण कौन करेगा? दूसरे लोग करेंगे। तो इस नैतिकता को दबाव की नैतिकता भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति पर दूसरों का क्या रहता है? दबाव। कैसे? बाहर से आया बच्चा और मम्मी ने कहा कि पांव छू। अब बच्चे को पता है नहीं छूंगा तो या तो चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो चॉकलेट न मिलने का दबाव है, या पता है कि मम्मी जाने के बाद चांटा चढ़ाएगी, थप्पड़ चढ़ाएगी, सीधी सी बात है। बच्चे की मानसिकता पर दोनों ही क्या है? दबाव है। उस दबाव के कारण बालक क्या है? नैतिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो इसे दबाव की नैतिकता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दबाव की नैतिकता भी कहते हैं।
क्लियर। और ये दूसरों के सहयोग की वास्तविक नैतिक अवस्था है, इसमें न चाहते हुए व्यक्ति रहता नैतिक ही है। लेकिन स्वायत्त नैतिकता में तो अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हैं, तो नैतिक रहे तो रहे, नहीं तो नहीं रहे, ठीक है। तो प्रायत नैतिकता नैतिकता की सक्रिय अवस्था है, और स्वायत्त नैतिकता में नैतिकता का निर्धारण कौन करेगा? स्वयं। उस पर दबाव है क्या? नहीं है। और दबाव नहीं है तो नैतिक रहे या नहीं रहे, सक्रिय नहीं हुआ ना। स्वायत्त नैतिकता में तो आप किसी का सहयोग कर सकते हो नैतिक रूप से, तो सहयोग की नैतिकता तो क्या होगी? ये। और दबाव की नैतिकता क्या होगी? ये। और नैतिकता के सक्रिय अवस्था भी क्या होगी? प्रायत्त नैतिकता। अरे भाई साहब, एमएनसी में काम कर रहे हो, प्राइवेट फील्ड का अनुभव बड़ा तगड़ा होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, काम अपने हिसाब से करोगे। बैंक में बाबूजी का, कोई ऑफिस में बाबूजी को नहीं देखा क्या? लंच टाइम 2 बजे का है, 1:30 बजे कह देंगे लंच टाइम हो गया, बाद में आना, और थोड़ा बाद में आना, ज्यादा करोगे तो कल आना, ठीक है। लेकिन प्राइवेट फील्ड का बाबूजी होगा वो, जी सर बिल्कुल अभी लो, आप 2 मिनट रुकिए मैं अभी करता हूँ। उसको पता है कि अगर ये मेरा क्लाइंट नहीं बना और मैंने ये काम नहीं किया तो कहीं दूसरे यहाँ चला जाएगा, और ऊपर बैठे लोगों को पता लग गया कि आपने टाइम पे काम नहीं किया तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो उस दबाव के कारण आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो नैतिकता के संबंध में? तो ये दबाव की नैतिकता है और साथ साथ में नैतिकता की सक्रिय अवस्था है। समझ में आ रहा है? नैतिकता की क्या है? सक्रिय अवस्था है। और स्वायत्त नैतिकता की बात करें, ऑटोनॉमस मॉरलिटी, इसका मतलब है कि इसमें व्यक्ति अपनी नैतिकता का निर्धारण अपने स्वयं के निर्णय द्वारा करता है। किसके द्वारा? स्वयं के निर्णय के द्वारा करता है कि मुझे किसी की सहायता करनी है या नहीं करनी है। इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, इसमें दूसरों के बनाए गए निर्णय को स्वीकार करना है या नहीं करना है इसका निर्धारण खुद को करना है। और प्रायत नैतिकता में दूसरों के द्वारा बनाए गए निर्णय को, लिए गए निर्णय को स्वीकार करना ही है। तो ये स्वीकार्यता की अवस्था होगी कि नहीं होगी? और ये मात्र क्या है? सहयोग की अवस्था है, स्वतंत्र अवस्था है, ठीक है। तो अगर सही रूप से देखा जाए वर्क, अगर आप कमिटमेंट देखें तो इसमें ज्यादा है कि नहीं है, और इसमें क्या होता है? कम होता है। ये दो अवस्थाएं होती हैं।